KidPad learning app powered by Beaconlight Publication. In our last chapter, we studied about animals and their baby's name. For example, dog और उसके baby को puppy बोलते हैं, cat और उसके baby को kitten बोलते हैं. Today, we will study about insect. Insect क्या होते हैं? From your book, you must know. So, insect is a small animals. Insect छोटे एनिमल्स होते हैं दैट हैज सिक्स लेग जिनके छह पैर होते हैं एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स उनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है फॉर एग्जांपल एंट आपने कभी एंट देखी है मतलब चींटी क्या आपने कभी चींटी देखी है चींटी की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है और उनके छह लेग्स होते हैं जनरली इंसेक्ट हैव वन और टू पेयर ऑफ विंग्स यूजुअली इंसेक्ट के वन और टू पैर्स होते हैं विंग्स के जैसे कि आप पार्क जाते होंगे तो आपने वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट देखे होंगे जैसे बटरफ्लाई क्या आपने कभी नोटिस किया है बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ऐसे ही ग्रास होपर भी आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है उसके भी विंग्स होते हैं Now we will talk about more insect. जैसे कि आपने अपने घर के आसपास में और घर में भी कभी कभी मॉस्किटो और फ्लाइज देखे होंगे आपको पता है इनसे हम बीमार भी हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज फैलाती है जैसे मलेरिया डेंगू एक्सेट्रा सेकेंड इज बीज आपको पता है हनी कहाँ से आता है हनी कैसे बनता है तो हनी बीज के थ्रू बनता है ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले बटरफ्लाई की बात करी थी तो सबसे सुंदर विंग्स कौन से इंसेक्ट के होते हैं तो सबसे सुंदर विंग्स बटरफ्लाई के होते हैं और एंट सबसे हार्ड वर्किंग इंसेक्ट होता है इसके साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे Thank you. Bye-bye.